हर घर तिरंगा अभियान के तहत कमिश्नर कार्यालय प्रांगण में आयोजित वाहन तिरंगा रैली और पैदल तिरंगा रैली को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रैली में शामिल पुलिस और आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब संकल्प करें कि भारत की शान और स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि हम देश की एकता और अखंडता को कम नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को 15 अगस्त तक निरंतर जारी रखने और अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की भी अपील की। पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर आज तिरंगा अभियान में मैं शामिल हुआ। मेरे साथ यशस्वी विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, महापौर माननीय श्रीमती मालती राय जी, डीजी सुधीर सक्सेना जी, एससीएस होम, हम सब ने मिलकर के तिरंगा अभियान के माध्यम से इस पूरे आयोजन में भागीदार हुए हैं। और आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को, सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी। और तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा, हमारा पूरा प्रदेश और देश यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस वातावरण में डूबा हुआ है। हम सब जानते हैं तिरंगे के बलबूते पर हमने अपने देश की आज़ादी लंबे समय तक लड़ी और जीत हासिल की। हम सब इस पर्व को जीवन भर नहीं भूले। मेरी अपनी ओर सबको बधाई। हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान किया है और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह अभियान अत्यंत सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रतिदिन इस अभियान में सहभागिता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने हर घर तिरंगा आज़ादी के रंग खाकी के संग, इस नाम से हम लोग इस अभियान में बहुत जोश से मध्य प्रदेश पुलिस का प्रत्येक जवान हिस्सा ले रहा है। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक, हमारे जो बटालियन है वहाँ के सेनानी इसमें तरह तरह के प्रकार से भाग ले रहे हैं। तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं की जा रही हैं और हम सब चाहते हैं कि इस रैलियों के माध्यम से एक देश प्रेम का संदेश जाए, हर नागरिक के मन में तिरंगे के प्रति जो सम्मान है उसकी अभिव्यक्ति हो और हम लोग तिरंगे के प्रति गर्व का अनुभव कर सकें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।